नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। दो पक्षों में हुई फायरिंग को लेकर पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। हरदोई जिले में दिवाली की रात दो सगे भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पाली थाना इलाके के खमरिया गाँव में शनिवार रात दो सगे भाइयों को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया निवासी मुकेश 28 वर्षीय और सुनील कुमार 23 वर्षीय पुत्र हरी सिंह यादव का शनिवार देर रात गांव निवासी प्रधानमंत्री विजय सिंह यादव और उनके पुत्रों बब्बर शेर, बबले, नहर सिंह और नरसिंह से पुरानी रंजिश में विवाद हो गया। इस पर विजय सिंह ने यादव ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली लगने से मुकेश और सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक पूर्व प्रधान महिपाल सिंह यादव के भतीजे हैं। मौजूदा प्रधानपति और पूर्व प्रधान के बीच वर्ष 1994 से रंजिश चल रही है। सर, ये जो पाली क्षेत्र में घटना घटी है, उसका क्या घटना घटी है, उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? देखिए, ऐसा है, ये थाना पाली क्षेत्र का खमरिया गांव है, जिसमें कि सजातीय पक्षों में कल झगड़ा हुआ, जिसमें कि जो एक पक्ष है उसमें दो लोग को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको फिर अग्रिम उपचार के लिए जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कराया गया था, जहां पर ये मृत्यु हुई है। और इस घटना पर यहां पुलिस बल के साथ सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं, परिवारजनों से बात की जा रही है और जो आरोपी हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके बहुत सख्ती से बहुत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के लोगों को एक संदेश जाए और कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने से पहले कई बार सोचे। ये हमने स्पष्ट रूप से यहाँ बताया है और इसमें बहुत त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा परिवार वालों से हमने मिलकर उनको भरोसा देकर बताया है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, इसमें कुछ पुराना विवाद सामने आया? जैसा परिवारजन बता रहे हैं कि 25 साल पहले इनमें आपस में किसी बात को लेकर एक विवाद था, लेकिन हाल ही में किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई तनातनी नहीं थी, जैसा परिवारजन खड़े हैं उन्होंने बताया मुझे। लेकिन फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेगी और जिन्होंने ये घटना की है उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, इस बात का आश्वासन हमने सबको दिया है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।